सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वृंदावन की एक कथा आती है, एक संत हुए, वो संत जहां भी जाते लोग जो कहते जस साहब आ गए, जस साहब आ गए, जस साहब आ गए, जस साहब आ गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। एक समय वो संत कहीं से गुजर रहे थे तो किसी ने कहा भाई जस साहब जा रहे हैं, जस साहब जा रहे हैं। तो भाई पूछो अरे ते तो क्यों जस साहब ही तो साधु है, इन्हें थे तो संत क्यों नहीं क्यों। बोले साधु तो अब बने, पहले जज थे। क्या थे? पहले जज थे, साधु अब बने। तो बोले पहले जज थे तो साधु क्यों बने। बोले एक बार इनकी जहां अदालत थी उस क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। ध्यान से सुन जो सब, रघुनाथ जी का मंदिर था और उसी छोटे से गांव में एक केवड़ जाति का सीधा साधा व्यक्ति रहता था, सब उसे केवड़ बुलाते थे। उसके यहाँ एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का ब्याह हो गया था, बेटी का विवाह आया तो बेटे ने कहा पिताजी ऐसा करो किसी सेठ से पैसे ले लो और पैसे लेकर उधार ब्याज पे हम वापस उसका पैसा दे देंगे, शादी कर लें और जब खेती आएगी पैसा दे देंगे। अब महाराज पैसा ले लिया, ब्याह भी कर दिया। वो केवट राम जी का भक्त था, राम जी पे भरोसा करता था, अनपढ़ था। जैसे ही ब्याह हुआ मंदिर में रहने लगा और जब मंदिर में रहने लगा खेती आई, बेटे ने खेती करी, पैसे आए। पैसे आने के बाद अपने पिताजी को कहा पिताजी ये पैसा है और ये पैसा तुम जाइने सेठ ने दे दो, अपनो लेनो देनो खत्म करो। तो ध्यान से सुन जो, भगवान कहीं होया करे, भक्ति कहीं होया करे, विश्वास कहीं होया करे, क्यों भगवान की पूजा होया करे। अब वो केवट वो एक किसान उनके सेठ जी के यहाँ गया और सेठ जी से जाके कहता है महाराज थारा रुपया जमा कर लो, हमारी रसीद काट दो। व्यवस्थित तरीके से उसने ब्याज ले लिया, जितना उसे ब्याज लगाना था सूद समेत सब कुछ जमा कर लिया, असली रसीद काट दी। भाई केवट का लेना देना खत्म, भाई ले पढ़ ले। अब जब उसने रसीद हाथ में ली उसने कहा महाराज मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं आपने काट दी है, मेरे राम जी पे भरोसा है, कोई बेईमानी तो होगी नहीं। अब सेठ ने जब ये बात सुनी तो सेठ के मन में आई बेईमानी। बोले तो अनपढ़ है, इससे वापस पैसा दूसरी बार ले सकते हैं। बोले अरे केवट ये रसीद तू मुझे वापस दे दे, मैं तुझे दूसरी रसीद देता हूँ, इसमें कुछ लिखना बाकी रह गया। तो असली रसीद उस सेठ ने वापस ले ली और एक नकली कागज उसको दे दिया। अब वो तो अनपढ़ था, मंदिर में गया जहाँ रहता राम जी की सेवा में, वहाँ गया राम जी के मंदिर में ले जाके वो रसीद चढ़ा दी चरणों। अब कुछ दिन हुए यहाँ वो घर आया और उधर उस सेठ के मन में जो बेईमानी थी उसने कोर्ट में केस लगा दिया और कह दिया कि केवट ने पैसे लिए हैं दे नहीं रहा है और मांगने जाते हैं तो कहता है कि दे दिए। अब बुलाया उसे कहाँ कोर्ट में, और उस कोर्ट में जज साहब कौन थे? बोले वही जो वृंदावन में घूमते थे। कौन है जज साहब? बोले बीच क्या हुआ? बोले जब केवट को कोर्ट में बुलाया पूछा भाई तुमने पैसे लिए थे? बोले हाँ लिए थे। दे क्यों नहीं रहे हो? बोले महाराज दे दिए। क्या सबूत है दिया तुमने? वो नकली कागज जो सेठ ने दिया था वो जज साहब को दिया, यही सबूत है। उस कागज को जब जज साहब ने देखा पलटी करी, बोले ना तो इधर कुछ लिखा है ना इधर कुछ लिखा है, तो कोरा कागज है, ये मान्य नहीं होगा, तो कुछ सबूत हो तो बताओ नहीं तो तुम अपराधी हो। अब केवट से ये बात कही तो वो रोने लगा। केवट के मन में भाव आया अरे जस साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मुझे क्या पता इस सेठ ने मुझसे बेईमानी की, यही इसने कागज दिया था, मैं समझा इसने असली रसीद दी है, अब मेरा तो कोई है नहीं। अब जब वो रोने लगा तो उस जज के मन में दया आई और उस जज ने कहा ठीक है अगर तेरे मन में ऐसी बात है तो तू एक और बात बता, जब तूने इस सेठ को पैसे दिए तो तेरे और इस सेठ के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति था? जब हम अच्छा काम करते हैं मंदिर में जाते हैं या कोई भी धर्म का काम क्यों करते हैं? बोले भगवान हमारे देख रहा है। उस भक्त के मन में यह भाव था हाँ
जब मैंने इस सेठ को पैसे दिए तो मेरे और इस सेठ के बीच में सिवा रघुनाथ के और कोई नहीं था। कौन था? रघुनाथ। अब जज को लगा कोई रघुनाथ होगा ही ना गांव को। ठीक है जाओ, चले जाओ। अगली तारीख दे दी, इस तारीख पे आ जाना। अब जज साहब ने अपने खर्चे से समन जारी किया और चपड़ासी को कुछ रकम दी, पैसे दिए, जा इसके गांव में जा और इसके गांव में ढूंढ लेना कोई रघुनाथ होगा, उसको ये समन दे देना गवाही का। वो चपड़ासी उस गांव में गया, उस गांव में उसने ढूंढा भाई कोई रघुनाथ है। अब रघुनाथ तो कोई था नहीं महाराज, पूरे गांव में ढूंढ लिया। शाम हो गई, शाम के समय मंदिर की पेड़ी पे पुजारी बैठे थे तो पुजारी जी के पास में जाके उस चपड़ासी ने पूछा, भैया कोई रघुनाथ यहाँ कहीं रहते हैं क्या? तो पंडित जी ने कहा, रघुनाथ तो यहीं रहते हैं। राम जी कहाँ रहते हैं? बोले मंदिर में रहते हैं। भगवान कटे मिले? बोले मंदिर में। अब पंडित जी ने वो समन ले लिया और वहां साइन कर दी। चपड़ासी को लगा कि राम रघुनाथ यही है, रघुनाथ ये पंडित है। अब वो समन दे के चला गया। अब जब केवट आया तो उस पंडित ने केवट से कहा, भाई तूने राम जी का नाम क्यों लिखाया, रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखाया? उसने आंख में आंसू भर के कहा, भाई जब मैंने सेठ को पैसे दिए तो मैंने झूठ क्या कहा, उस समय भगवान ही तो था मेरे साथ और कौन था। देखो संसार में कोई साथ दे ना दे, पर महाराज भगवान जरूर साथ देता है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अब ये भाव तो आ गया। पंडित जी ने कहा, ठीक है तूने नाम लिखवा दिया, कोई बात नहीं, अब राम जी की इच्छा राम जी जाए। अब तारीख लगी, जब अगली तारीख आई तो उस पंडित जी ने उस केवट से कहा, भाई तू एक दिन पहले चला जा, शहर जाना पड़ेगा, दूर है, क्या पता कल समय में पहुंचे नहीं पहुंचे, एक दिन पहले ही चला जा और अब कल राम जी के ऊपर छोड़ दे, रघुनाथ जी के ऊपर, उनकी इच्छा होगी जो होगा। केवट गया। दूसरा दिन हुआ, सुबह 4 बजे पंडित जी उठे, राम जी को बढ़िया स्नान करवाया, बढ़िया नए नए वस्त्र पहनाए और आंख में से आंसू बहा रहे हैं, बस भाव ही तो है। उस पंडित जी को ऐसा लगता है कि आज राम जी मंदिर से पहली बार बाहर जाएंगे, इसलिए बस आंखों से आंसू बहा रहे हैं। भगवान तो बस भाव तो चाहिए महाराज, भाव ही तो है, वो भोग लगा रहा है और बड़े भाव से कह रहा है, प्रभु वाह अनाथ की लाज नाथ तिहारे हाथ है। प्रभु उसकी वो अनाथ है, उसका आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, प्रभु उसकी लाज रख लेना भगवान। और जब ये सिर्फ प्रार्थना करने लगे, पंडित जी की आंखों से आंसू बहने लगे और जब पंडित जी रोने लगे महाराज, अपने आप पट पंडित जी ने बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिया पूजा करने के बाद। यहाँ अदालत लगी, केवट आया कटघर में खड़ा कर दिया। हाँ केवट, कहाँ है तुम्हारे रघुनाथ जी, कहाँ है भगवान? हाँ कहाँ है तुम्हारे रघुनाथ जी? बस भक्त से कोई पूछे कि थारा भगवान कहाँ है तो भक्त कहीं कहेगा, बस यही बात होंगे यहीं कहीं। बुलाओ चपड़ासी जी का, रघुनाथ को बुलाओ। चपड़ासी ने 3 आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ। और तीसरी आवाज में एक कोई बूढ़ा व्यक्ति आया, इसकी कमर झुकी हुई है, सिर पे चंदन लगा है, गले में तुलसी की माला है, हाथ में छड़ी है और चाल अटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे धर धाये हैं, हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी की माल, माथे पे रोरी चंदन चढ़ाए हैं और साहब के सामने विनीत चपड़ासी संग आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं।